अलकम स्टूडेंट्स होप यू ऑल आर सेफ़ एंड इन अ गुड हेल्थ आई होप आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा हो आपने लेक्चर्स प्रॉपरली लिए हों जो टास्क आपको असाइन किए गए थे आपने वो कम्प्लीट किए हों टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी और इंग्लिश ग्रामर्स टॉपिक प्रनाउंस हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रणाम का स्टडी किया था लेकिन हमने जस्ट uh, उसको डिफ्रेंश किया था मतलब हमने प्रोनाउंस को स्टडी किया था और देन हमने एक um, कह लें एक पैराग्राफ के टू वर्जन्स थे हमारे पास हमारे पास फर्स्ट वर्जन में जो है नाउंस थे एंड सेकेंड वर्जन में हमने नाउंस को रिप्लेस किया था प्रनाम्स के साथ यानी नाउंस को एक दूसरे वर्ड्स के साथ हम लोगों ने रिप्लेस किया था तो फिर वो प्रनाउंस बन गया। और फिर हमने दोनों वर्जन को कंपेयर किया था तो दे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ प्रिनाउंस बिफोर स्टार्टिंग नॉलेज इज़ बिसमान रहीम रबी okay so open your english textbook page number english grammar's textbook page number 7 okay today our topic is types of pronoun in which we are going to study the first type which is the demonstrative pronoun the second one which is relative pronoun the third one which is indefinite pronoun demonstrative pronoun read these sentences in sentences go this is a flower that is my car. These are parrots. Those are apples. Now, as you can see, this, that, these, those are in a different color, which are in an orange color. And is a flower, is my car, or parrots, or apples are in a black color, which means that this, that, these, those are highlighted. Let's see why they are highlighted. The words this, that, these, and those, which point out people. प्लेस और थिंग्स और कॉल डिमॉन्सट्रेटिव प्रणाम मैंने आपको बताया था कि प्रणाल में हम नाउन्स को रिप्लेस करते हैं जैसे uh, सानिया था तो उसकी जगह शी आ गया हर आ गया सानियाज़ बुक था हर बुक आ गया ठीक है सानिया इज़ माई फ्रेंड शी इज़ माई फ्रेंड आ गया ठीक है तो हमने शी के साथ हर्ज़ के साथ उसको रिप्लेस कर लिया था अब हम पढ़ रहे हैं डिमॉन्सट्रेटिव प्रणाली में डिमॉन्सट्रेटिव प्रणाली में ऐसा होता है कि हम लोगों को जगहों को या चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे होते हैं ठीक है जैसे मैं कह रही हूँ ना कि अस्केल ठीक है तो मैं अब इसको पॉइंट कर लूँगी दिस इज़ अ स्केल दिस इज़ अ स्केल दिस इज अ डिमॉन्सट्रेटिव प्रोनाउन ठीक है जैसे दिस इज अ फ्लावर दैट इज़ माय कार दिस आर नॉक दिस फ्लावर के बारे में फ्लावर को पॉइंट आउट कर दैट हम जब किसी चीज़ को जैसे पॉइंट करते हैं ना तो देखना कितना वो देखो वो आ रहा है देन वो इज़ अ डिमॉन्सट्रेटिव प्रोनाउन ओके इन डिमॉन्सट्रेटिव प्रोनाउन वी Point out a person or a place or a thing. Okay. Now let's come to the relative pronoun. Relative pronoun. Look at these sentences. This is my friend who is very helpful. I am reading the book which he told me about. Now in the two sentences, you can see who and which. Both are highlighted. Let's see why they are highlighted. The words who, which, what, whom, that, and whose are called relative pronouns. They take the place of a noun and also act as conjunctions. Words like who, which, what, whom, whose can also be used for asking questions. Okay, now as you can see, यहाँ पे लिखा है कि who, which, what, whom, that, whose ये relative pronoun है. Relative का क्या मतलब होता है? आप में देखो कि हम कहते होंगे कि ये भाई ये मेरा relative है. यानी ये मेरा रिश्तेदार है. रिश्तेदार, ठीक है? अगर इसको हम ब्रेक करें रिलेटिव को ठीक है रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव यानी कि आपका किसी से रिश्ता होना इसी तरह से हम रिलेटिव प्रोनाउन में किसी भी चीज़ का किसी इंसान के साथ किसी जगह के साथ या किसी चीज़ के साथ रिश्ता शो करते हैं रिलेशन को शो कर जाते हैं देखिए हम कह रहे हैं ना हु इज़ वेरी हेल्पफुल नाउ आई एम सींग अबाउट माई फ्रेंड दैट ही इज़ माई फ्रेंड हु इज़ वेरी हेल्पफुल नाउ हु इज़ यूज एज़ अ रिलेटिव प्रोनाउन बिकॉज हेल्पफुल वर्ड रिजेंबल्स टू सॉरी हेल्प Helpful word is i'm pointing out to who like my friend na i'm showing this relation like helpful who like i'm showing a relation helpful with my friend okay now it's more clear to you ये देखे मैं बता रही हूँ कि मेरी friend है जो बहुत ज़्यादा जो है ना मेरी मदद करती है ठीक है helpful यानी helpful or मेरी फ्रेंड के बीच में एक रिलेशन अशोक कर दिया मैंने कि मेरी फ्रेंड है ये ना कि आप किसी और के बारे में समझ मतलब मैं क्योंकि शी इज़ वेरी हेल्पफुल नॉट शी इज़ वेरी कौन कौन है बहुत हेल्पफुल ठीक है आई एम नॉट यूजिंग इफ आई एम नॉट यूजिंग अ वर्ड विच इज माई फ्रेंड तो फिर शी इज़ वेरी हेल्पफुल तो मैंने नहीं पता कि किसके बारे में बात हो रही है लेकिन मैंने कहा है माई फ्रेंड इज़ रेली हेल्पफुल यानी कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ उस वर्ड यानी हेल्पफुल का रिश्ता जोड़ रही हूँ दैट uh, मेरी दोस्त बहुत मदद है आई एम रीडिंग द बुक विच यू टोल्ड मी अबाउट मैं वो किताब पढ़ रही हूँ जो तुमने मुझे बताई थी ठीक है अब मैं क्योंकि मैं किताब पढ़ रही हूँ तो इसका मतलब है कि मैं अपनी मर्जी की किताब पढ़ रही हूँ लेकिन मैंने रिश्ता शो करना है कि जो आपने किताब मुझे बताई थी वो मैं पढ़ रही हूँ ठीक है लेट्स कम टू इंडेफिनेट प्रनाव रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स इन एग्जाम्पल्स को पढ़ें सम वन इज़ ऑन द रूफ देर आर सो मैनी पेंसल्स यू कैन चूज एनी वन वर्ड्स लाइक सम एनी एनी वन समथिंग everyone few none are used to replace nouns they are called indefinite pronouns these pronouns do not refer to a particular person place or a thing but refer to them in a general way as i've said you can see or you maybe uh, you can say that which one was uh, proper noun and the second one was common noun प्रॉपर नाउन में हम किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर यानी किसी पर्टिकुलर प्लेस या पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर थिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं जो कि कॉमन नाउन में हम जनरल वे में बात कर रहे होते हैं लाइक लुक दीज आर बॉयज आई एम नॉट सेइंग लुक दिस इज अली दिस इज अ बॉय बॉय अ कॉमन नाउ एंड अली इज़ अ प्रॉपर नाग ओके इन दिस टाइप ऑफ प्रोनाउन विच वी कॉल्ड इन डेफिनेट प्रोनाउन इसमें हम एक जनरल वे में किसी की तरफ इशारा कर रहे होते हैं हम उसका नाम नहीं ले रहे होते ठीक है यानी कि हम उसकी आइडेंटिटी को शो नहीं कर रहे होते हैं हम सब जनरली उसका नाम ले रहे होते हैं ठीक है सम वन एजन रुक कोई है छत पर ठीक है ये बहुत सी पेन सब किसी स्पेसिफिक लुक आई थिंक दीज आर पेन दीज आर सम वन पेन ये किसी के पेन हैं मैंने ये नहीं कहाज आर माई पेन् अपने से रिलेशन शो नहीं किया मैंने कहा किसी के पेन हैं ठीक है वर्ड्स लाइक सम वन सम यानी कोई एनी एनी वन समन समथिंग एवरी एवरी वन फ्यू नान ये क्या हो गया रिप्लेस करते हैं नाम को उनको, 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 उनको इंडेफिनेट प्रनाउंस कहते हैं क्योंकि किसी ख़ास बंदे चीज़ और जगह की तरफ इशारा नहीं कर रहे होते उनका उनकी आइडेंटिटी शो नहीं कर रहे होते सिर्फ एक जनरल वे में हमें बता रहे होते हैं ठीक है एक दफ़ा रिपीट कर देते हैं डिमॉन्सट्रेटिव प्रोनाउन में हम क्या कर रहे होते हैं हम दिस दैट दिस को यूज़ कर रहे होते हैं ताकि हम पॉइंट आउट कर सकें उस जगह चीज़ या बंदे पे रिलेटिव प्रोनाउन में हम उस बंदा के साथ किसी चीज़ का किसी जगह का रिश्ता जोड़े होते हैं ठीक है और हम इसको एज अ जो रिलेटिव प्रोनाउन के वर्ड्स होते हैं ना जैसे हु विच ये हम क्वेश्चन में भी यूज़ कर सकते हैं जैसे वट इज़ योर नेम और वट इज़ योर नेम अब मैं आपसे पूछ रूँ ना कि आपका नाम क्या है तो मैं स्पेसिफिकली आपसे बात कर रही हूँ यानी कि आपसे एक कम्युनिकेशन है मेरी थी? ठीक है इस तरह से हुज़ बुक इज़ दिस ये किसकी बुक है किसकी बुक है मतलब बुक आप ऑन आप कर रहे हो ना बुक को ठीक है ये आपकी अपनी बुक है तो यह आपका रिलेशन है बुक के साथ ठीक है हम रिलेटिव प्रोनाग में रिलेशन को पढ़ रहे होते हैं और इन डेफिनेट प्रोना में हम किसी ख़ास बंदे चीज जगह की तरफ बात नहीं कर रहे होते हम जनरल टॉक कर रहे होते हैं कोई है जो छत पे है ये किसी के पेन से किसी की बुक है कोई हमारे साथ जाएगा क्लास का कोई बच्चा जैसे मैं अक्सर मैम कहती होती है ना क्लास का कोई भी बच्चा उठ जाए और रीड कर ले तो कोई भी बच्चा मैम ने किसी स्पेसिफिक बंदे का नाम नहीं लिया ठीक है ओके आई हैव मेड प्रजेंटेशन अबाउट दिस एज वेल लाइक ऑन प्रोनाउंस एंड टाइप्स ऑफ प्रोनाउ बट इट्स इन द सेवेंथ क्लास लेक्चर इफ़ इफ़ यू वॉन्ट एन आई विल लिंक इट डाउन एज वेल ओके तो आपको थोड़ा इजी हो जाएगा इन अ फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन इसको अच्छे से स्टडी करना ठीक है अच्छा नेक्स्ट थिंग ये है हमारे पास कि आपने इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन ठीक है रिगार्डिंग दिस लेक्चर्स यू कैन आस्क मी ओके ऑन माई व्हाट्सएप नंबर आई एम श्योर लिखना आंसर ओके ना वट योर होम योर होम इज यू हैव टू डू demonstrative pronoun relative pronoun and इंडेफिनेट प्रोनाउंस एग्जाम्पल्स ऑन योर नोट बुक ठीक है आपने अपनी नोटबुक पर लिखता है सबसे पहले डिमॉन्सट्रेटिव प्रोनास उसकी डेफिनेशन ठीक है डेफिनेशन लिख ली उसके बाद आपने नीचे एग्जाम्पल्स खुद से बनानी है फाइव एग्जाम्पल्स डिमॉन्सट्रेटिव की फाइव इंडिफिनेट की फाइव रेलेटिव की ठीक है इस तरह से आपने तीनों का करना है ठीक है ना ओके वील स्टडी फर्दर इन द नेक्स्ट लेक्चर टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी टेक केयर गॉड ब्लेस यू